नमस्कार दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, तेजी होगी मंदी होगी ये तो किसी को भी घंटा पता नहीं है, लेकिन हिस्ट्री रिपीट यहाँ पे होने वाली। जिस तरह से हिस्ट्री रिपीट के हिसाब से ही मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ से इस लेवल से रिकवरी आएगी और इस लेवल से एक तेजी देखने के लिए मिलेगी 16-17 रुपये के प्राइस से। सेम इसी तरह का एक और हिस्ट्री रिपीट इसका हो रहा है, अगर वो काम कर गया तो वही जो है यही वाला जो है इसका मतलब लो बन जाएगा और इसके बाद कंटिन्यू जो मोमेंटम ऊपर साइड में आएगा। पूरा मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ और केवल चार्ट पे ही बात करेंगे। हालांकि ट्रेड इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। 1.5% की आज गिरावट इसमें देखने के लिए मिली है। इक्विटी शेयर आज भी ट्रेड हुआ है ठीक ठाक, 2.3 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं। 50 करोड़ रुपये के शेयर बाय सेल हुए हैं और डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो 48-49% का डिलीवरी परसेंटेज आज आया है। थोड़ा सा डिलीवरी परसेंटेज बड़ा है तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा। 20% का सर्किल लिमिट है इसका। कुछ खास और अन्य खबर नहीं है, मार्केट क्लोज होने वाला है और नीचे के साइड से रिकवरी धीरे 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 करके आ रही है, नहीं तो इसमें 2.5-3% तक की भी गिरावट हो रही थी। न्यूज आप लोग जाके गूगल पे सर्च करिए, कोई भी न्यूज आपको नहीं मिलेगी, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। और ऑफिशियल न्यूज़ तो कुछ है ही नहीं। ऑफिशियल न्यूज़ होती तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता, ठीक है ना। रिजल्ट आ ही चुका है। अब देखिए इसमें टेक्निकली क्या है, कई बार मैं आपको हिस्ट्री रिपीट हिस्ट्री रिपीट हिस्ट्री रिपीट करके वीडियो बनाता हूँ और बताता हूँ। अभी क्या हुआ है ना कि मैं हमेशा देखते हो कि कोई ना कोई दो मूविंग एवरेज, दो तीन मूविंग एवरेज इस तरह से मैं प्लॉट करके रखता हूँ। हालांकि मैं चारों मूविंग एवरेज को देखता हूँ लेकिन खास करके मैं दो मूविंग एवरेज प्लॉट करके रखता हूँ, कोई भी दो, ठीक है ना। जब मैं देखता हूँ कि जिस चार्ट पे जिस हिसाब से मूविंग एवरेज का पोजीशन, अभी यहाँ पे चलिए मैं एक मूविंग एवरेज, यहाँ पे 20 DMA का अभी काम नहीं है, यहाँ पे 20 DMA हटा देते हैं हम लोग, 20 DMA का काम नहीं है, 20 DMA हटा देते हैं। यहाँ पे दो मूविंग एवरेज का यहाँ पे काम है, 50 डे को भी यहाँ पे हटा देते हैं, 50 डे का भी काम नहीं है। और अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे सॉरी 100 का है, 200 डे मूविंग एवरेज का भी काम नहीं। वीडियो बड़ी बन सकती है क्योंकि जब मैं समझाना शुरू करता हूँ ना तो मैं टाइम नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं दो दो घंटे तीन तीन घंटे का पहले लाइव करता था, तो वही आदत अभी भी मेरे अंदर है कि मैं जब समझाना शुरू करता हूँ और निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस करता था, बैंक निफ्टी की, निफ्टी मिड कैप की, ऑप्शन फ्यूचर वाली, तीन तीन चार चार घंटे लाइव करता था एक ही बैठा, तो वही है। तो अभी इसमें क्या आपको देखने के लिए मिला है, आपको सीधा यहाँ पे कहीं नहीं जाना है, आपको जाना है जहाँ पे अभी रिसेंट का जो है लो बना हुआ है। इसके पहले यहाँ पे लो बना था, ये वाला लो, जब से मोमेंटम आया था ये वाला एक लो बना था, उसके बाद एक हायर लो यहाँ पे बना था और उसके बाद छोटे मोटे हायर लो तो कई बार बने हैं लेकिन उसके पास भी कई सारा कंसोलिडेट किया, लेकिन एक मेन लो जो कहते हैं हम लोग कि नहीं बना। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जब हाई बनता है ना लो बनता है तो कई सारे पैटर्न बनते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई शेयर यहाँ पे गिरा तो एक लो बनाया, लो बनाने के बाद एक तेजी दिखाया, तेजी दिखाने के बाद एक लो बनाया। अब ये लो तो यहाँ पे परफेक्ट बनेगा लेकिन इसके अंदर अंदर भी हो सकता है कि कई बार इस तरह से या फिर जब आते समय इस तरह से लो बना के आता है। इसको मैं चार्ट पे आपको दिखाऊं तो सीधा सीधा वहीं पे दिख ही रहा है यहीं पे कि कई इस बार जो है ऐसे जैसे लो बना दिया तो ये परफेक्ट वाला लो हो गया। इसके बाद इस तरह से लो बना देता है, इस तरह से लो बना देता है, इस तरह से लो बना देता है, फिर देखिए यहीं पे कंसोलिडेट कर गया, तो इसी लो के आसपास कंसोलिडेट कर गया, थोड़ा सा नीचे भी आया तो इस वाले लो को भी टच किया, तो इस तरह से होता रहता है। लेकिन मेन मेन जो लो बनते हैं वो कटने नहीं चाहिए, जो चार्ट पे एकदम जो है जो क्लियर ये इंडिकेशन देते हैं कि ये वाला लो कटा तो फिर दिक्कत होगी, उस तरह का लो अभी नहीं बना है। उस तरह का लो बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि देखिए नीचे की साइड से कहेंगे तो एक परफेक्ट लो हम लोग इसको मान सकते हैं। इसके बाद में भी कई देखिए छोटे मोटे लो बने थे लेकिन इसको नहीं, सेम टू सेम इसको मान लेते हैं, यहाँ से एक यहाँ पे मान लेते हैं, उसके बाद तेजी आई उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये कई सारे लो जो बने हैं वो परफेक्ट वाले लो थे। बीच में अब यहाँ पे एक लो बन गया, यहाँ पे लो बन गया, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। बनने के बाद पहले तो समझ में आता कि वही वाला लो है लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं दूसरा लो बन गया। अब यहाँ पे जब प्राइस था ना इतना पे ही आपको ध्यान देना है, जितना देखिए बस इसके अंदर ही देखना है, इधर साइड में मत देखिए, उसी में। अब देखिए उसमें क्या हुआ था ना कि पहली बार ब्रेकआउट दिया था मूविंग एवरेज का, सारे के सारे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया था, 20, 50, 100, 200 सबका ब्रेकआउट दिया था। आपको विश्वास ना हो तो फिर से मैं एक बार प्लॉट करता हूँ, वही बता रहा हूँ कि अभी समझाने में टाइम लगेगा। सारे के सारे मूविंग एवरेज का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से जब यहाँ से भागना शुरू किया था 6 रुपये से, तो यहाँ पे सारे मूविंग एवरेज थे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सारे मूविंग एवरेज यहीं पे थे जिस हिसाब से अभी हैं, जिस पोजीशन में अभी हैं, ठीक है ना। सारे के सारे मूविंग एवरेज थे,
और उसके बाद अचानक से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद सबसे ऊपर जाता है 20 DM में मूविंग एवरेज, उसके बाद 50 DM जाता है, और उसके बाद 100, उसके नीचे 200, नीचे ही रहते हैं, क्योंकि जो स्लो सबसे ज़्यादा स्लो है वो धीरे धीरे मूव करेगा, जो 20 DM में है फास्ट। अगर यहाँ पे 10 करूँ तो ये तो इसके चार्ट के हिसाब से चलेगा 10 डे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जब गया था तो पहले तो एक बार 20 DM को तो कई बार ब्रेक किया, सस्टेन किया, वहीं पे चला गया। 50 DM को भी यहाँ पे ब्रेक किया। देखिए 50 DM को कहाँ पे पहली बार टच किया, चलिए 50 डे से ही समझाना शुरू करता हूँ, 50 डे भी काम का हो गया। अब ये देखिए समझ, 50 डे को जब ब्रेकआउट दिया तो पहली बार यहाँ पे टच किया 50 डे को, 8 रुपये के प्राइस पे, 9 रुपये के प्राइस पे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस तरह से 50 डे मूविंग एवरेज हम लोगों का जा रहा था, सॉरी थोड़ा सा ऊपर से ड्रॉ करना, इस तरह से इसके नीचे आया 50 DM के, और वहीं पे सस्टेन किया थोड़ा सा, और फिर अचानक से ब्रेकआउट दिया 50 DM का और भाग गया 50 DM का। अब 50 DM का काम खत्म हो गया, बस समझाने के लिए था। तो समझ में आ गया कि 50 DM को पहली बार टच किया, पहली बार बोल रहा हूँ क्योंकि पहली बार का ही मेन यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट है, पहली बार टच किया और वहां से भाग गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 50 DM को टच किया, उसके बाद यहाँ पे 50 DM को नीचे ब्रेक कर दिया, तो कभी ना कभी तो ब्रेक करेगा ही करेगा। तो अब ये समझिए कि पहली बार टच किया तो भी मोमेंटम आया, और दूसरी बार टच किया 50 DM को तो भी मोमेंटम आया, ये तो हो गया ना सीधा सीधा। अब 50 DM के बाद कौन सा मूविंग एवरेज का नंबर आता है, सीधा सीधा 100 DM का। अब 100 DM का कहाँ पे, देखिए 20 DM को, अब 100 DM को जब से यहाँ से ब्रेकआउट दिया था 6 रुपये से, बता रहा हूँ 6 रुपये से यहाँ पे 50 DM टच कर लिया 100 को, नहीं और 200 डे और नीचे था, उसके बाद कहीं पे भी 100 डे टच नहीं किया, कहीं पे भी 100 डे टच नहीं किया। टच किया था यहाँ पे मार्च 2024 के आसपास, यहाँ पे सेम टू सेम जैसे हिस्ट्री वहां पे थी ना कि 50 DM को ऐसे ब्रेक किया नीचे, सस्टेन किया और वहीं से भाग गया, फिर से 50 डे ब्रेक करके, सेम चीज यहाँ पे बनी थी कि 100 डे मूविंग एवरेज नीचे से आ रहा था, इसको टच किया, नीचे सस्टेन किया, ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया और फिर वहां से ब्रेकआउट दिखाया, और फिर जो है वहीं पे जो है कई बार उसको रिटेस्ट करके तेजी आई, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रेक करके नीचे आया ही था पहली बार, उसके बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट किया, और वहां से तेजी देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है ना। फिर हाल में और उसी के नीचे है, फिर से कई बार एक दो बार और यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, लेकिन पहली बार जहां से टच किया था उस लेवल को नीचे ब्रेक नहीं किया अभी तक, 15 रुपये पे टच किया था, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। अब इसी तरह का सेम सिचुएशन बन रहा है 100 DM पे, 200 DM। अब 200 DM को भी अगर 6 रुपया से देखोगे, जब से ब्रेकआउट दिया है तब से कहीं पे भी टच नहीं किया था, यहाँ पे 50 DM को टच किया था 100 को, और 200 को नहीं टच किया था, उसके बाद यहाँ पे 50 को ही टच किया था 200, और 100 को नहीं टच किया था, यहाँ पे केवल 100 को टच किया था 200 डे, यहाँ पे 12 के आसपास था। अब ये जो है 200 डे धीरे 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 जाके ऊपर गया, पहली बार यहाँ पे टच किया 200 डे मूविंग एवरेज, यहाँ पे जो मैं बता रहा था आप लोगों को, यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे सेल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से दिक्कत हो जाएगा। पहली बार 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे की साइड में ब्रेक किया, इस तरह से 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा था, यहाँ पे ब्रेक किया, अब 200 डे मूविंग एवरेज था, थोड़ा सा ज्यादा सस्टेन किया और फिर वहीं से उसको ब्रेकआउट दिया, और ऊपर की साइड में एक अच्छी सी तेजी देखने के लिए हम लोगों को मिल चुकी है। तो ये एक जो है यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट बना है, तो जब तक इस लो के नीचे नहीं जाता तो यहाँ से एक ही। लेकिन अब यहाँ पे अगर एक चीज और मैच करोगे तो ये तो 200 डे मूविंग एवरेज का असर था कि ये एक तेजी देखने के लिए मिली, चाहे किसी भी कारणवश हुई हो, सर्किट लिमिट बढ़ा, कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ उससे मूविंग एवरेज का काम। अब सेम टू सेम उसी तरह की पोजिशन 100 डे मूविंग एवरेज पे फिर से बन रही है, और 200 वहां पे है ही, तीनों मूविंग एवरेज है यहाँ पे, मैं बता दूं इस तरह से ड्रॉ करके मैं दिखाऊं तो तीनों, देखिए तीनों प्लॉट किया हूं ना, ये तीनों मूविंग एवरेज है यहाँ पे, देखिए जहां पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है ये 100 है, उसके बीच में 50 है, उसके नीचे 200, ये तीनों मूविंग एवरेज इसी 18 18.5 रुपए के आसपास, तो ये ब्रेकआउट देना बहुत जरूरी है। अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है तो फिर समझ लीजिए कि ये रुकेगा नहीं, अब इस बार अगर इस बार 19-20 के ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से तो ये बड़ा मोमेंटम कर सकता है। अब उसी के साथ साथ में अब फिर से हम लोग केवल 100 को देखेंगे, 200 को नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो परिस्थिति बनी हुई थी कि 200 डे मूविंग एवरेज को टच किया था, नीचे आया था, सस्टेन किया था, सेम टू सेम यही पोजीशन एक दो बार और बन चुकी है। यहाँ पे दो बार देखिए, यहाँ पे तो केवल टच करके ही भाग गया, यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया था और सस्टेन करके तुरंत भाग गया, फिर उसके बाद यहाँ पे भी आया था नीचे के साइड में 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, यहाँ पे भी 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया था, तो थोड़ा सा ज्यादा रुका था, कोई 200 डे को टच करना शुरू कर दिया था। उसके बाद अभी जो पोजीशन देखेंगे मूविंग एवरेज का ना, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे
यहाँ पे ये आ रहा है 200 डे मूविंग एवरेज हमका, एकदम साइडवेज हो गया, एकदम सीधा हो गया यहाँ से देखिए, एकदम सीधा हो गया, क्योंकि प्राइस जब ऊपर नीचे कर रहा है तो वो जो कैलकुलेट करते हैं 100 दिन के मूविंग एवरेज का, 100 कैंडल के हाई लो को जो वो मैच करते हैं, तो वो एक ही पे आ रहा है, तो एकदम सीधी हो गई है लाइन। अब ये 200 डे मूविंग एवरेज जो हम लोग का बन गया, एकदम सीधी रेखा हो गई है, सीधी रेखा। और इसी तरह से 50 डे में भी थोड़ा बहुत वोल्टाइल होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा, हाँ देखिए थोड़ा सा वोल्टाइल है। 20 डे थोड़ा ज़्यादा वोल्टाइल होगा, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। तो ये सीधी रेखा हो चुकी है। अब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर तो ऊपर मान के चलिए, नीचे तो नीचे। अभी क्या है कि इस वाले पोजिशन में है कि नीचे है, जिम ही इसका ब्रेकआउट देता है तेम ही जो है इसमें एक बड़ी सी तेजी आने की संभावना बनेगी। हाँ यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ले लेता है तो थोड़ी सी गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ से भी 200 डे मूविंग एवरेज में सेम वही पोजिशन बनी थी, और उसी को रिटेस्ट करके यहाँ से नीचे के साइड में थोड़ा सा आया है। तो देखिए गिरावट की संभावना तो उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं इस बार बार बोलता हूँ कि गिरेगा तो आराम से गिरेगा, धीरे धीरे गिरेगा, आपको दिखेगा कि हाँ गिरने वाला है, गिर रहा है, आपको टाइम मिल जाएगा। तेजी होगी तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि तेजी इस समय भी हुई थी तो 4 5 6 दिन मारा था अपर सर्किट, फिर इस पे कोई को खरीदने का हिम्मत नहीं पड़ा होगा। और उसी तरह से यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ था कि जब भागा था 3 4 दिन में ही 17 रुपये से 24 रुपये 23 रुपये हो गया था, और उसी तरह से भागेगा तो यहाँ से ही भागेगा। तो मतलब हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से एक तेजी आ सकती है, अगर फिर से 100 डे मूविंग एवरेज को ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो एक रिकवरी यहाँ से आने की संभावना है। और 200 डे मूविंग एवरेज हम लोग का वहीं पे है भी, और 50 डे भी वहीं पे है। ब्रेक करना बहुत जरूरी है। हालांकि एक पोजिशन ये भी है कि जब भी तीनों मूविंग एवरेज ऊपर नीचे के साइड में जहीं जहाँ पे मिलते हैं बहुत अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट देते हैं, तो अभी फिलहाल में तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस ही है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बताया अभी था यहाँ पे छोटा सा एक रेंज बना के कि इस तरह से 1850 रुपये पे, कि 1850 रुपये का लेवल इसके लिए ब्रह्मास्त्र लेवल है, 1850 रुपये का लेवल ब्रेक होना, क्योंकि अब तो दो यहाँ पे हाई बन गया ना, ये वाला हाई भी यहाँ पे बना था, अब यहाँ पे भी एक हाई बना रहा है, देखिए नीचे आके अब ऊपर रिट्रेस करके इस तरह से करेगा ना, तो ये भी एक हाई बन जाएगा। अभी आपको हाई दिख नहीं रहा है, लेकिन जब यहाँ से फिर से गिरेगा ना तो ये आपको एकदम परफेक्टली हाई इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। तो ये रेजिस्टेंस भी इसका बन सकता है, तो बहुत जल्द इसका ये रेजिस्टेंस ब्रेक होना ऊपर जरूरी है, नहीं तो फिर थोड़ी बहुत मतलब वहीं कंसोलिडेट करके गिरावट आ सकती है 16 रुपये तक, ठीक है ना, 16 रुपये तक का एक इसमें गिरावट आ सकता है अगर ब्रेक नहीं करता है जल्दी से जल्दी तो, क्योंकि इसका भी हिस्ट्री रिपीट है, क्योंकि जब यहाँ पे ब्रेक किया था वहीं मैं देख रहा था, जब यहाँ पे ब्रेक किया था तब भी तीनों मूविंग एवरेज एक ही साथ थे और ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देके सस्टेन करके नीचे ऊपर गया था। वहीं चीज अभी क्या हो रहा है कि अभी तीनों मूविंग एवरेज नीचे के साइड में है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो नीचे के साइड में तीनों थे, यहाँ पे देखेंगे तो अभी ऊपर के साइड में तीनों मूविंग एवरेज हैं, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ऐसी संभावना है। और इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी देखिए, अभी दोनों मूविंग एवरेज एक जगह पे मिले थे और वहीं से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा जो है कंसोलिडेट किया भी था। तो कुल मिला के देखिए, आप पूछोगे कि कहना क्या चाहते हो, भाई कहना जो मैं चाहता हूँ वो हर दिन कहता हूँ, ठीक है ना, आप सुनना नहीं चाहते हो। व्यू पॉजिटिव रहेगा, होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हैं तो दो स्ट्रेटजी आप लोगों को बता चुका हूँ, आप बताइए कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला हूँ, कहाँ पे एवरेज करने के लिए बोला हूँ, कमेंट करके बताइए, वरना मैं हर दिन तो वीडियो बनाता ही बनाता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, ठीक है ना।